कि आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो अभिजीत जी का कितना सपोर्ट रहा, किस प्रकार से उन्होंने आपको सपोर्ट करने आज यहाँ तक पहुँचा? इनका आशीर्वाद है, इन्होंने मतलब डेफिनेटली मुझे इनकरेज किया है और बस बोला कि गो अहेड। चाहूंगी कि एक गाना, ये जो गाना रिलीज हुआ इसका एक लाइन आप बोलूंगा। ओके, शान पड़ी मत कर मत का, शान पड़ी मत कर मत का, अटकेला इस अटकेला इस शर्ट का शर्ट का, बोलेगा सोचेगा सोचेगा बोलेगा बोलेगा बोलेगा, सोचता है तो बोलता नहीं, बोलता है तो सोचता नहीं, अभी जो बोलेगा चुपचाप सुनने का क्या, बवाल है बवाल है बवाल है। फिल्म के इनॉग्रेशन के हेतु से यहाँ पर आए हैं जहाँ पर लॉकडाउन है और मिशन बिगिन इन अगेन के तौर पर महाराष्ट्र शासन ने एक साथ सब फिल्म इंडस्ट्री को भी जागरूक करने का काम किया है। धीरे धीरे छोटे पैमाने पे फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग काम करने शुरू किए हैं और उसमें की एक यह पहल है। तो अभिजीत जी, मिहिर जी की पहली शुरुआत है बवाल है से, उनका पहला सॉन्ग जो लॉन्च होने जा रहा है, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक नई चीज़ें तैयार की हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएँ देना चाहेंगे उनके इस? मिहिर इज एन अपकमिंग स्टार, उनका ये जो सॉन्ग है बवाल, उसके लिए हम सब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। एक ऐसे सिचुएशन में भी उसने एक अच्छा प्रयास किया है और जब पूरा देश एक अलग सैडनेस में है तब किसी ना किसी को इनिशिएट करके लोगों को बाहर आकर रेगुलर काम करने का एक मौका दिया है, मैं मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है उनकी। और एक हमारे दोस्त है इस शहर के है और मेरी तरफ से उनको पूरी शुभकामनाएं। ये जो मैं एक्चुअली थिएटर इंडस्ट्री से जुड़ा रहा रेगुलर और ये मेरी पहली कोशिश है, क्योंकि आपको पता है कि थिएटर से जो होता है वो सोशल मैसेजेस जो होते हैं सबसे अच्छा ज़रिया होता है सोशल मैसेज देने का। तो मेरे जहन में ना जब ये सोशल चीज़ें बहुत चल रही थी तो उसको अल्फाजों में मैंने तब्दील किया और फिर एक गाने के रूप में कन्वर्ट हो गया और फाइनली अभी आप लोगों के सामने बवाल हो के नाम पे ये मेरा रैप सॉन्ग पहला मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए हम लोग ना बैक स्टेज से सीखा है, मतलब थिएटर जो करता है ना मैम वो बैक स्टेज पहले करता है, तो हर काम करना पड़ता है स्टेज, मतलब आपको थिएटर में अगर आप कर रहे हो तो वो सब चीज़ें करते आए हैं, ज़माने से करते आए हैं और देखते आए हैं, तो ऑब्जर्वेशन जो होता है थिएटर वाले का थोड़ा होता है, तो ये सब चीज़ें करने मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैंने इसे लिख दिया और गाया और फाइनली मेरे जो टीम के लोग हैं उन्होंने बहुत कॉपरेट किया मेरे इसके जो म्यूज़िक जो दिया है अभिलाष ने दिया, तो उसने काफ़ी मुझे इनक्रेज किया और फाइनली मैंने इसको गा दिया और मतलब ऐसा कुछ भी फील ही नहीं हुआ मुझे कि मैं इसको कुछ भी नहीं आज रिलीज़ कर रहा हूँ फाइनली। पूरे देश में कोरोना महामारी फैली थी, उस बीच लॉकडाउन था, तो आपके आपके दिमाग में किस प्रकार आया कि इस बवाल है और इसको आपने एक गाने के रूप में आपने उतार दिया? देखिए ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ, ये तो कोविड से पहले का मैंने इसे ऑलरेडी शूट किया था और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से ये सब हम लोगों ने इसको रिलीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा टारगेट था अप्रैल में ही इसे रिलीज़ करने का, अनफॉर्चुनेट ये सब डिले हो गया। तो फाइनली एडिट जब अभी थोड़ा हालात थोड़ा ठीक हो तो एडिट हम लोगों ने ऑनलाइन एडिट किया और अभी ऑनलाइन हम लोग इसको रिलीज़ भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, दैट्स इट। इसमें हमें सबको मेनटेन करते हुए और मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आप लोग जो रूल्स रेगुलेशंस है इवन सोशल डिस्टेंसिंग जो होती है उसको ज़रूर मेंटेन करते हुए हम लोगों को करना है, प्रिकॉशन सबसे बड़ी ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर अपने मुंबई के हर एक जगह से मैंने किया है, मैंने गलियों में मतलब आपका चौल में जहाँ पे हो सका जहाँ उस चीज़ को मैंने एक्चुअली में ये जितनी भी बातें आप लोगों की तरफ से ही कही जाती है कि हर चीज़ें ग्लैमर से चलती है, एक्चुअल में आपकी अगर कंटेंट अच्छे हैं तो वो चलेंगे और ये मेरे एकदम ज़मीनी स्तर के कंटेंट हैं और आजकल जितनी चीज़ें हैं जो लोगों को अटैच कर दे जो चीज़ें ना वो चलती है, हाँ जितनी भी स्क्रिप्ट है अच्छी स्क्रिप्ट होती है वो चलती है, उसमें कोई ग्लैमर या कोई स्टारकास्ट की ज़रूरत नहीं है ना, पूरा मैसेज ही है और हर आदमी के लिए मैसेज है, वो इंटरटेन तो मतलब वो गाना बना तो इंटरटेन हो गया, म्यूज़िक हो गया तो इंटरटेन हो गया, लेकिन ये पूरा मैसेज है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ और थिएटर सोशल मैसेजेस जो देने का सबसे अच्छा ज़रिया है, तो ये गाने में हर आदमी को महसूस होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है
और वो चीज़ को कैसे सेल्फ, मैंने लास्ट में बोला है जब तक खुद कुछ करेगा नहीं हालात बदलेगा नहीं, मतलब आप सिर्फ बोलो मत कि ये चीज़ें हो रहा है, गड्ढा हो रहा है, फलाना है ये, आप उस चीज़ में उतरो और उस चीज़ को आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप छोड़ दोगे, पॉलिटिशियन पे छोड़ोगे या आप किसी और लोगों पे छोड़ोगे, नहीं होगा। आप किसी पे उंगली उठाना सबसे आसान चीज़ होता है, अपने को बदलना है, पहले आप बदल लो सब ठीक हो जाएगा। तो ये मैसेज ही है, शिक्षक के बिना तो मैं या कोई भी मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि भाई आप इसे ज़रूर एक बार देखिए, मैं पहला मेरा कदम है और इसको आप ज़रूर एक बार देखिए, पसंद आया तो ज़रूर इसको आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल कीजिए, मेरे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा, मैं नेक्स्ट में बहुत और भी कुछ करने की कोशिश करूँगा। सबकी तरफ से इनको मॉरल बूस्ट देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, हमारे परिवार का सदस्य है, हमारा बच्चा है, आप सब लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दीजिएगा। ही इज़ एन अपकमिंग स्टार, वी ऑल गिव हिम बेस्ट ऑफ लक।